खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजगढ़ की, जहां आपको बता दें डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों में के बाद अब यहां पर कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। तो लगातार यहां पर डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज तो सामने आ ही रहे थे, इसके बाद अब कोरोना की भी दस्तक यहां पर देखने को मिल रही है। सामान्य शिकायत के बाद मरीज को दो दिन बाद जांच में यहां पर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। दो दिनों में 80% संक्रमित यहां पर लंग्स हुए हैं। जिला अस्पताल में आईसीयू में इलाज जारी है, जहां डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है। कोरोना के सिम्टम्स वाले करीब आपको बता दें 10 मरीज यहां पर भर्ती हैं, जहां लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पताल में यहां पर कोरोना का रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर की जांच नहीं हो पा रही है। तो अब राजगढ़ में डेंगू और मलेरिया के बाद अब कोरोना की भी दस्तक, जहां सामान्य शिकायत के बाद यहां पर अब कोरोना के लक्षण भी मरीजों में देखने को मिल रहे हैं। टिपिकल कोविड-19 फाइंडिंग होती है, उसमें गाइडलाइन में 4.5 में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर 4.5 है तो टिपिकल कोविड-19 की फाइंडिंग है। अभी 4.5 है, सीटी सेवरिटी स्कोर इसका 19 है, लंग्स में इन्वॉल्वमेंट जो है 80% से ज़्यादा है, और दो दिन में मेन चीज़ है कि पेशेंट का 48 घंटे में लंग्स का इन्वॉल्वमेंट 80% से ज़्यादा चला गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि 100% कोविड का ही इन्फेक्शन है। और अभी इस समय सभी वार्ड्स में कम से कम 80 पेशेंट के डी डायमर बढ़े हुए हैं, कम से कम 200 पेशेंट के सीआरपी बढ़े हुए हैं, ये सभी कोविड-19 के दौरान ही मिलते थे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। धर्मराज, यहाँ डेंगू और चिकनगुनिया के बाद अब कोरोना की भी दस्तक, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग का कहना है? पूर्वी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजगढ़ जिले में डेंगू और चिकनगुनिया का मरीज निकलने के बाद अब कोरोना ने दस्तक दी है। डॉक्टर खलावत ने जो जानकारी देते हुए बताया कि एक मरीज कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसको 80% संक्रमित लंग्स और चिकित्सक ने इसकी चिंता बढ़ा दी है। सामान्य शिकायत के बाद मरीज को दो दिन के बाद जांच के बाद उसको कोरोना के लक्षण पाए गए, जिसका इलाज जिला अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है। डॉक्टर ने कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की है। वही कोरोना के सिम्टम्स करीब 10 से 12 मरीजों को निकले हैं, जिनका यहाँ पर अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर कोरोना के रैपिड टेस्ट के लिए, आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए? पूर्वी में बताना चाहूंगा कि जिला अस्पताल में कोरोना के जो टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये डॉक्टर ने बताया कि राजगढ़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जांच नहीं हो पा रही है। मगर सीटी स्कैन और डीआईआर की जांच रिपोर्ट के बाद भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं, उससे ही पता पड़ पा रहा है अभी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धर्मराज, आपका बहुत शुक्रिया।